हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल में मैं कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताता हूँ जो आपके आसपास है पर आपने सोचा नहीं। सो हैव यू थॉट ऑफ साइंस? फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक ऐसे फेनोमेन की जो आप सबने कभी ना कभी तो ऑब्जर्व की होगी पर उसके बारे में ज़्यादा सोचा नहीं होगा। जब भी आप कोई वाटरफॉल देखने जाते हैं तो आपने देखा होगा कि वो वाइट दिखता है जबकि वाटर तो कलरलेस होता है। तो फिर ऐसा क्यों होता है? इसके दो रीज़न हैं। पहला है टर्बुलेंस ऑफ वाटर और दूसरा है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जब भी वाटर हाई स्पीड से या फिर कोई टर्न से फ्लो करता है तो उसका फ्लो काफ़ी टर्बुलेंट हो जाता है जिसकी वजह से आसपास का एयर उसमें मिक्स हो जाता है। अब जब ये एयर मिक्स होता है तो वो वाटर के अंदर काफ़ी एयर बबल्स और वाटर ड्रॉपलेट्स बनाती है। जब भी वाटर के थ्रू लाइट पास करती है तो कुछ तो रिफ्लेक्ट हो जाती है और कुछ रिफ्लेक्ट हो जाती है। इसीलिए स्टिल वाटर पे हमें एक इमेज दिखता है क्योंकि रिफ्लेक्टिंग रे से वो इमेज बनती है। पर जब वाटर फ्लो करता है ये टाइनी वाटर बबल्स और वाटर ड्रॉपलेट के कारण बहुत सारा वो लाइट स्कैटर कर जाता है और ये स्कैटर लाइट हमें वाइट रंग की दिखती है क्योंकि सनलाइट वाइट रंग की होती है। सेम रीज़न होता है जब वाटर कोई भी रॉक के या किसी के ऊपर से फ्लो करता है तो वो वाइट दिखता है, जैसे कि राफ्टिंग में हम देखते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसे शेयर कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए। अगर आपको ऐसी और वीडियोस देखनी है तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।